क्लास 12 स्टूडेंट्स, तीन चैप्टर हो गया है, रिलेशन, फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और आज से 10 जून से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर है अपना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, लेक्चर 1 से। ठीक है, तो कुछ बच्चों से फोन पर बातें हो रही थी तो मैं फिर से यही बताऊंगा, आप लोग सारा एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल आरएस शर्मा केजी सिन्हा का क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बनाते रहिए। मेंस एडवांस का कुछ क्वेश्चन अगर आपसे फंस जाए तो मेरे से फोन करके या फिर व्हाट्सएप में पूछे, बट आपको भी मालूम है कि मेंस एडवांस का सारा क्वेश्चन फोन पर समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो जो बन जाए सो बन जाए, बाकी को रोक करके रखिए। अब जब ऑफलाइन मीडियम में हम लोग मिलेंगे तो सारा क्लियर कर लेंगे। आज से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, और यहाँ से आप लोग में से जो लोग एवरेज और अबव एवरेज पढ़ने में है उन लोगों का अच्छा टाइम शुरू, क्योंकि यहाँ से चैप्टर सबका आसान है। तो आसान का मतलब ये नहीं है कि आप लोग रिलेशन फंक्शन बंद करके बैठ जाए, जब तक आपका जेई मेंस का एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका जेई एडवांस का एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका एनडीए का एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका बोर्ड्स का एग्जाम ना हो जाए, अगर आप ड्रॉप करते हैं तो रिलेशन फंक्शन रिलेशन फंक्शन रिलेशन फंक्शन को जितना मेहनत हो उसको पढ़ते रहना है। अब कुछ आसान चैप्टर्स पढ़ लें। आसान का मतलब बच्चों, जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं, जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, ये चैप्टर आसान है जरूर, बट इट विल फेच यू 2 क्वेश्चन इन योर जेई मेन्स एग्जामिनेशन। 2 क्वेश्चन मिलेगा जेई मेन्स के एग्जामिनेशन में, तो आसान आसान के चक्कर में कहीं वो 2 क्वेश्चन मिस मत कर देना। एनडीए के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन अकेला इस चैप्टर से रहेगा, तो आसान आसान के चक्कर में कहीं मिस मत कर देना, है ना। बाकी अलजेब्रा का है, ठीक ठाक चैप्टर है। मैट्रिक्स के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, कैसा भी नंबर चलेगा, रियल और इमेजिनरी, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, रेक्टेंगुलर अरे है, अरेंजमेंट है, ऑफ एम रोज, एम एन नंबर मतलब एम रोज ऑफ केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में रोज हॉरिजॉन्टल होता है, एम रोज हॉरिजॉन्टल एंड एन कॉलम्स वर्टिकल इज कॉल्ड अ एम बाई एन मैट्रिक्स। एम इंटू एन नहीं है, साइन ऐसा है, it is read as m by n, it is read as m by n matrix। कुछ करना नहीं है, एक सेट बनाना है, रेक्टेंगुलर अरे बनाना है, उसमें हम लोगों को m रोज और n कॉलम्स के मदद से कुछ नंबर्स, कैसा भी नंबर्स हो, एलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, रियल हो, इमेजिनरी हो, उसको केवल अरेंज कर देना है, दैट इज आवर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जनरली हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस फॉर्म में है वो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। जैसे ये देखो, ये एक मैट्रिक्स है, इसको भी लिख लोगे बट ये ऐसे शायद लैंग्वेज में समझ ना आया, ऐसे आ जाएगा। मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरे, इसमें 2, 1, -1 अलग अलग नंबर है और 1, 3, 2। अब देखो कितना रोज है इसमें, हॉरिजॉन्टल कितना, हॉरिजॉन्टल कितना इसमें, हॉरिजॉन्टल 1, 2, तो कितना रो है, 2। कॉलम कितना है, 1, 2, 3, तो 3। 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब ये लिखने का तरीका आज के बाद हमेशा याद रखना, पहले रो फिर कॉलम। जैसे 1, 1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये नंबर को देखो, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, दिस इज 2। इस नंबर को देखो, ये पहले रो में तो है बट ये दूसरे कॉलम में, देख लो ये पहले रो दूसरा कॉलम, तो 1, 2 इसी को कहते हैं, ये नंबर पहला रो है तीसरा कॉलम, इस नंबर को देखो ये दूसरा रो है तो 2 पहला कॉलम, 2, 1, ये नंबर दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस नंबर को देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम। उसी तरह से एक मैट्रिक्स जैसे लिखेंगे, साइन एक्स क्रॉस एक्स क्रॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कितना रो हुआ तो 2, इतना कॉलम हुआ तो 2, लिखेंगे कैसे 2 by 2। 1, 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स, इसका नंबर क्या है, खुद से बोलो इसका नंबर क्या है, ये फर्स्ट रो में है बट सेकंड कॉलम में है, तो क्रॉस एक्स, इसका नंबर देखो, इसका नंबर ये सेकंड रो में है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, क्रॉस एक्स, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला जो है वो माइनस साइन एक्स है। इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a11 12 13 .1n 21 22 23 .2n .m1 m2
m3 dot 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 mn. This is m by n matrix और इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं. और पहले एक दो क्लास में केवल हम लोगों को कैसे लिखना है, कैसे अरेंज करना है, वही हम लोगों को सीखना है. ठीक है, इसको पहले लिखो. शुरुआत में ऐसा है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स. नाम है मैट्रिक्स का ए आई जे हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे बराबर आई प्लस जे. ठीक है, दिस इज ए आई जे. ठीक है, तो कितने का बनाना है? 3x4 मैट्रिक्स. तो पहले एक मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं 3x4 का. तो तीन रो होगा, दिस इज 1 1 1 2 1 3 1 4. This is 2 1 2 2 2 3 2 4. This is 3 1. This is 3 2. This is 3 3. This is 3 4. ठीक है, कितना रो है इसमें? तीन रो. कितना कॉलम है इसमें? चार. और इसको क्या बनाना है? ए आई जे बराबर आई प्लस जे. या नाम का इस्तेमाल करना. तो ए वन वन बराबर कितना हो गया? आई प्लस जे मतलब 1 + 1 मतलब हो गया 2. इस तरह से ए 1 2 का मतलब कितना हो गया? 1 2 का मतलब 1 + 2. इस क्वेश्चन के हिसाब से आई प्लस जे बोल रहा है, तो ये नहीं कि हर बार यही करनी है. 1 3 का मतलब 1 + 3 मतलब 4. 1 4 का मतलब 1 + 4 दैट इज 5. उसी तरह से 8 2 1 का मतलब 2 + 1 दैट इज 3. 8 2 2 का मतलब 2 + 2 दिस इज 4. 8 2 3 का मतलब 2 + 3 दैट इज 5. 8 2 4 का मतलब 2 + 4 दैट इज 6, है ना. 8 3 1 का मतलब 3 + 1 दैट इज 4. 8 3 2 का मतलब 3 + 2 दैट इज 5. 8 3 3 का मतलब 3 + 3 दैट इज 6. 8 3 4 का मतलब 3 + 4 दैट इज 7. सो आवर मैट्रिक्स बिकम्स 1 1 के जगह पर 2 3 4 5. फिर 3 था 4 था 5 था 6 था. फिर 4 था 5 था 6 था 7 था 3x4 था. ये ऑर्डर लिखना मत भूल जाना. ऐसा नहीं कि नंबर कटने नहीं कटने का बात नहीं है. अगर आप ऑर्डर ही नहीं लिखे तो माना जाएगा कि आपको ये चैप्टर आ ही नहीं रहा है. ऑर्डर ही नहीं लिखने का मतलब माना जाएगा कि आपको ये चैप्टर आ ही नहीं रहा है. ठीक है, तो इसको ठीक से लिख के रखो. तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही दो बार आया बोर्ड के एग्जामिनेशन में. कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे बराबर आई माइनस 2j का होल स्क्वायर बाय 2, है ना. तो 2x3 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स बनाना है. 2x3 मैट्रिक्स, तो 2x3 का मतलब क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3. इतना रो है बच्चों? दो रो है. इतना कॉलम है बच्चों? तो तीन कॉलम. दिस 2x3 है. अब इसको सॉल्व कर लेते. ए आई जे मतलब ए वन वन बराबर 1 - 2 × 1/2 का स्क्वायर. सो दिस इज एक में से दो गया, माइनस एक का स्क्वायर 1/2. वैसे ए 1 2 का मतलब क्या हुआ? 1 - 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2. ब्रैकेट कैसा भी उससे मतलब नहीं. 4, एक में से 4 गया, -3 का स्क्वायर 9/2. इस तरह से a 1 3 का मतलब कितना हो गया? 1 - 2 × 3/2 पूरे का स्क्वायर कितना हो गया? तो दिया 6, एक में से 6 गया, -5 का स्क्वायर 25
भाई दोस्त वैसे 2-1 का मतलब कितना हो गया? 2-1 का मतलब हो गया 2 - 2 × 1 का स्क्वायर / 2, तो में से दो गया जैसे 0 प्लस कर जैसे 0, तो ऐसे 8 × 2 इसका मतलब क्या हो गया 2 - 2 × 2 / 2 का स्क्वायर। दो में से चार गया -2 स्क्वायर 4 / 2 दिस इज 2 और 8 × 2 = 3। ये 2 × 3 का मतलब क्या हो गया 2 - 2 × 3 / 2 का स्क्वायर। दो में से 6 गया -4 का स्क्वायर - 4 = 16 / 2 दिस इज 8। सो आवर मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी 1-1 की जगह पर था 1/2, फिर था 9/2, फिर था 25/2, फिर था 0, फिर था 2, फिर था 8। और यहाँ पर ऑर्डर लिखना जो है वो ना भूल जाना, ऑर्डर लिखना ना भूल जाना 1/2, 9/2, 25/2, 0/2, 8। तो शुरुआत का जो एक्सरसाइज है आपका उसमें मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से आपको हाथ पर चलाते हुए चैप्टर पर आगे बढ़ना है। तो अब शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम कितना भी हो, रो केवल एक होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें कॉलम तो 3 है बट उससे मतलब नहीं है रो केवल 1 है, कॉलम तो 4 है उससे मतलब नहीं है रो केवल 1 है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। वैसे दूसरे नंबर पर है कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। रो कितना भी हो, देखो इसमें 3 रो है उससे मतलब नहीं कॉलम केवल 1 है, 2 रो है उससे मतलब नहीं है कॉलम केवल 1 है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तीसरा है जीरो और नल मैट्रिक्स, कैसा भी मैट्रिक्स हो, कितने भी रो का हो, कितने भी कॉलम का हो, कितने भी ऑर्डर का हो, हूज ईच एलिमेंट अगर जीरो है, जितना एलिमेंट है, कैसा भी मैट्रिक्स हो, जितना भी एलिमेंट है, सबकी वैल्यू अगर जीरो है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये 0 0 0 0 0 0 0, रो कॉलम कुछ भी हो, अगर सारे एलिमेंट का वैल्यू जीरो है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। पूरा चैप्टर जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस मेंस एडवांस एनडीए स्कूल एग्जामिनेशन का ज्यादातर क्वेश्चन जो है बॉस वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही है। अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्क्वायर इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 रो है 2 कॉलम है 3 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम 2 रो 2 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम का कोई मीनिंग नहीं हुआ बट कहलाएगा, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम से ऊपर का क्वेश्चन क्लास 12th में मेंस एडवांस स्कूल एनडीए के एग्जामिनेशन से ऊपर नहीं है। 3x3 मैट्रिक्स से बड़ा मैट्रिक्स आपको एग्जाम्पल लिखते समय लिख सकते हो, जो क्वेश्चंस का बात हो रहा है क्वेश्चंस आपके सिलेबस में 3x3 मैट्रिक्स से पूछा नहीं पूछा जाएगा। 3x3 2x2 दीस मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, और डायगोनल स्क्वायर में दो तरफ से बनता है, यहां पर अलजेब्रा है, दो तरफ से नहीं एक तरफ वाला लेना है, एक तरफ वाला लीडिंग डायगोनल दोनों तरफ का नहीं लेगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, नॉन डायगोनल तो जैसे इसमें देखो डायगोनल में तो 2-3 है बट नॉन डायगोनल का वैल्यू 0 है, इसमें डायगोनल में तो 6-4 - 2 है बट नॉन डायगोनल 0 है, ऐसे मैट्रिक्स को ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में। या फिर डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट करता है DIAG 2-3, इसका मतलब होगा कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, मीनिंग है डायगोनल में 2-3 बाकी सब 0, डायगोनल 6-4 - 2 इसका मतलब डायगोनल में 6-4 - 2
बाकी सब जीरो। तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। लिखो, एग्जांपल में लिखते रहो। अब छठे नंबर पर स्केलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, सारा नॉन डायगोनल जीरो है एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स, है ना। पीछे जो डायगोनल मैट्रिक्स किया वैसा ही, बट इस बार जो नॉन डायगोनल है उसका वैल्यू जो है वो बराबर, नॉन डायगोनल जीरो और डायगोनल वाले का वैल्यू बराबर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल जीरो, डायगोनल सेम, नॉन डायगोनल जीरो, डायगोनल सेम, दिस इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। और ये जो सेम वाला है, सेम वाला है, सेम वाला है, सेम वाला, इसी का वैल्यू अगर वन हो, सेम में भी 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 वन हो, तो वैसे खास स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है ही एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, सारा डायगोनल सिर्फ सेम नहीं वन ही होना चाहिए, सेम नहीं वन, सेम तो ठीक ही है वन होना चाहिए, जैसे जीरो जीरो तो है बट डायगोनल सेम में भी वन हो तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन डायगोनल जीरो, डायगोनल सेम में भी वन, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसे आई टू आई थ्री ही लिखा हुआ रहता है, आई टू का मतलब ही होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, आई थ्री का मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आई टू आई थ्री ही लिखा हुआ रहता है, तो थोड़ा बुद्धिमानी से क्वेश्चन को अप्रोच करना, आसान के चक्कर में ये नहीं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन ही गलत होना नहीं। अब ये वाला देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, जहां जहां आई जे से बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और जहां जहां पर आई जे से बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और जहां जहां पर आई जे से बड़ा उसका वैल्यू अगर जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में आई जे से बड़ा कहां कहां पर है, ये आई जे बराबर, आई जे से छोटा, आई जे से छोटा, यहाँ पर देखो आई जे से बड़ा है, आई जे के बराबर, आई जे से छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है और यहाँ पर बराबर है, तो बाकी में कुछ भी हो 3, 5, 11, बट जैसे ही आई जे से बड़ा उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, यहाँ जो हो 2, 11, 6, बट जैसे आई जे से बड़ा तो जीरो होना चाहिए, आई जे से बड़ा तो जीरो होना चाहिए, इधर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। 4x4 में बनाओ जरा सा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, यहाँ 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 और यहाँ, ये सब जीरो, बाकी सब कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी लिख दो 7, 6, 8, 15, बट ये जीरो होना चाहिए, यहाँ कुछ लिख दो √5, √7, -8, बट ये जीरो, ये जीरो, यहाँ कुछ भी लिख दो 7, 13, यहाँ जीरो जीरो जीरो, यहाँ बात। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जहां ए आई जे से बड़ा उसका वैल्यू जीरो और ऊपर से स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि जो मेन डायगोनल है इसके साइड वाला सारा जीरो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, मेन डायगोनल ये है, इसके साइड वाला जितना भी एलिमेंट है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो होता है, ठीक है। अब ऐसा ही
स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, जहां आई जे से छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स उसकी वैल्यू जीरो, आई जे से छोटा तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं। बताओ आई जे से छोटा, आई जे से छोटा, आई जे से छोटा नहीं, हाँ मतलब भाई आई जे से अब छोटा होना है, ये तो बराबर है, यहाँ छोटा है यहाँ भी छोटा है, यहाँ बड़ा है बराबर है, यहाँ भी छोटा है यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है यहाँ बड़ा है ना, तो ये सब बाकी सब कुछ भी हो जाए भाई, बट ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये कुछ भी हो जाए सेवन थ्री, बट ये जीरो होना चाहिए, ये कुछ भी हो जाए ग्यारह रूट फाइव थ्री, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहां जहां आई जे से छोटा हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो वैल्यू सीधा जीरो हो जाना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, तो आज मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पहले लेक्चर में हो गया। मेरा पर्सनल एडवाइस है, जो लोग बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कृपया करके आप लोग रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जितना हो सके पढ़ते रहे, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जितना हो सके पढ़ते रहे, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में आपको घर पर प्रैक्टिस करके एकदम रॉकेट साइंस टाइप का प्रैक्टिस करने के लिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कुछ मिलेगा नहीं। तो जहां से भी जैसे भी, मैं तो बोलता हूँ शिक्षा बढ़ती है, जहां से भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, चाहे आप टीचर्स का वीडियो देखें चाहे एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल आदि शर्मा के जिस ना पढ़ते रहे, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को आप लोग मैनेज करके रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पुश करके रखो, दोस्तों को जरूरत है तो वीडियो को शेयर कर दो, और जो लोग ऑनलाइन मोड पर पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दें, है ना। जो लोग भूल गए हैं इस नंबर पर गूगल पे पर, दिस इज गूगल पे 8083562235, फोन पे भी इसी पर है। आप लोग ट्वेल्थ वाले लोग स्टार्टिंग का जो आप लोगों का पेमेंट है ₹1000 ओनली, इसको ट्राई करो कि इस नंबर पर आप लोग फर्स्ट मंथ का अपना शुरुआत का पेमेंट करके रखें, फिर क्लास तो चलते ही रहेगा, चल ही रहा है मैथ्स का और फिजिक्स का, क्लासेस विल गो ऑन, नेक्स्ट क्लास में आने का वीडियो आएगा, ठीक है, थैंक यू।